Hello everyone, how are you all? I am fine. Hello, And what about I am fine. Now, what about you? I am also fine. Okay, beta. Today we will discuss exercises from chapter number 4. Okay. Yes. Book open करिए. Yes. Open करेंगे. Write करेंगे. First question है. Name the 5 objects which can be made from wood. नेम फाइव ऑब्जेक्ट, आपको फाइव ऑब्जेक्ट के नेम राइट करने हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो कि लकड़ी से बनाए जा सकते हैं. सारे डिस्कस हो चुका था, हुआ था ना ये? यस मैम. यस मैम. आंसर दीजिए वन बाय वन. पहले प्रिया बताएंगी. मैम, द नेम फाइव ऑब्जेक्ट कैन बी मेड बाय टेबल, टेबल, चेयर, डोर, विंडो. मैम, थिंग्स दैट बी मेड फ्रॉम वुड आर टेबल, चेयर एंड मैम डोर, विंडोज. ओके, महक यू टेल. मैम, द फाइव ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम वुड, टेबल, चेयर, बेड, विंडो एंड डोर. ओके, अरुण यू टेल. माय कौन करे बेटा? अरुण. मैम, द फाइव ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड from wood is chair, table, bench, door. पेपर. यस मैम. चलिए एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सब नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Second, देखते हैं. Select those objects from the following which sign. यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं आपको, उसमें से उस ऑब्जेक्ट को चुनना है. किसको चुनना है कि मतलब ये ऑब्जेक्ट किस से बनते हैं. One minute. Okay. चलिए इसमें से चूज करिए. Select those objects from the following which sign, जो कि चमकते हैं, सॉरी, जो कि चमकते हैं, साइन करते हैं. ऐसे जो यहाँ पे दिए हुए ऑब्जेक्ट, उसमें से आपको चूज करना है जो ऑब्जेक्ट साइन करते हैं, चमकते हैं, जिनमें चमक होती है. तो राइट, इसमें क्या है? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. बताइए विरल. मैम, बुक पेपर से होगा क्या बेटा? नहीं बेटा, इसमें आपको बताना है कि मतलब इसमें कौन से ऑब्जेक्ट है जो कि साइन करते हैं, जो कि चमकते हैं. चलिए बोले प्रिया, आप बताइए. ग्लास बाउल, स्टील स्पून. ग्लास बाउल, स्टील स्पून. जी महक, आप बताइए बेटा. मैम, द ऑब्जेक्ट विच साइन इक्वल टू ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून. गुड. ग्लास बाउल मींस शीशे का कटोरा एंड स्टील स्पून. स्टील का जो स्पून होता है, चम्मच होता है. अटेंसिल ही तो है, स्टील स्पून भी, बाउल भी, अटेंसिल ही है, बर्तन ही है. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको चूज करना है केवल ना, और तो ऑब्जेक्ट के नेम राइट नहीं है केवल, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट राइट है, फोर ऑब्जेक्ट राइट है, इसी फोर से आपको चूज करना जो कि साइन करते हैं. इसमें ग्लास बाउल हो गया और स्टील स्पून हो गया. ओके, चलिए आगे देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन. Match the objects given below with the materials from which they could be made. Match the object. आपको ऑब्जेक्ट को मैच करना है जो कि यहाँ पे दी हुई है. क्यों, किससे बनते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं. रिमेम्बर, आपको याद रखना, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल. आपको इतना भी ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट जो है कई मटेरियल से भी बन सकता है. And the given materials could be used for making many objects. और जो material है वो एक कई प्रकार के object बनाने के काम आ सकते हैं. Okay? बेटा अरुण, आप माइक ऑफ रखा करो, जब आपसे पूछेंगे फिर माइक ऑन किया करो, क्योंकि आपका माइक जो है वो आवाज आती है उससे, डबल कर देता है आवाज.
माइक ऑन करते हो। चलिए इसका आंसर बताइए, इसमें मैच करना है ऑब्जेक्ट्स इधर है, इधर मटेरियल्स है, तो यहाँ पे राइट है बुक। हम बुक को किससे मैच करेंगे प्रिया, आप बताइए बेटा। पेपर से। पेपर से ओके। टम्बलर किससे मैच करेंगे? ग्लास। ग्लास। चेयर? वुड। वुड। टॉय? प्लास्टिक। प्लास्टिक। सूज? लेदर। लेदर। गुड। चलिए आप बताइए अरुण। अरुण? यस मैम। चलिए आप मैच करिए इसको। मैम बुक, पेपर, टम्बलर, हम पेपर से टम्बलर, ग्लास, टम्बलर ग्लास से मैच करेंगे। देन चेयर? चेयर वुड। वुड से मैच करेंगे। आगे टॉय? प्लास्टिक। टॉय को प्लास्टिक से मैच करेंगे। सूच को? मैम सूच लेदर से मैच करेंगे। ओके okay, इसको आप सब मैच कर लेंगे बुक में, ठीक है? इसे बुक में ही कंप्लीट करना है, बाकी सब नोटबुक में करना है। ओके okay. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको इसको देखना है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है सही है या गलत है आपको पहचानना है। फर्स्ट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ऑब्ट्यूज। मतलब ये सेंटेंस सही है गलत, प्रिया बताएंगी। बोलो बेटा। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ऑब्ट्यूज। ध्यान से पढ़ के बताइए। फॉल्स है। फॉल्स। इसका मींस क्या होगा लाइन का? मैम पत्थर इधर प्रदर्शित। मैं क्यों टेल बेटा, आप बताइए इस लाइन का मींस क्या होगा? मैम जो पत्थर होता है वो ट्रांसपेरेंट है, जबकि जो ग्लास है वो ऑब्लिक्यू है। ओके okay. जो स्टोन पत्थर है क्या वो पारदर्शी है, जबकि ग्लास शीशा जो है वह क्या है अपारदर्शी। तो सेंटेंस सही है गलत है? ये रॉन्ग होगा, फॉल्स लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन जो है आप क्यों होता है और ग्लास जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ओके okay? क्योंकि हम ग्लास से इस पार से उस पार देख सकते हैं और स्टोन से नहीं देख सकते, क्योंकि आप क्यों अपारदर्शी होता है, उससे कुछ बाहर की चीज आप नहीं देख सकते हो उसको सामने रखने के बाद। तो यहाँ पे एफ राइट करना फाल्स है। ओके नेक्स्ट है अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डस नॉट। अ नोटबुक हैज लस्टर, जो नोटबुक है उसके पास चमक होती है जबकि इरेजर के पास चमक नहीं होती है। ये सेंटेंस सही है प्रिया? अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा। यस मैम। जो यहाँ पे एफ या फाल्स, फाल्स रहेगा कि ट्रू रहेगा? नहीं पहचान पाई अभी। ट्रू है मैम बोल। ट्रू है ओके। अरुण आप बताइए। अरुण मैम मैम फॉल्स है। फॉल्स। अब रियल यूटियल? यस मैम। सेकंड सेंटेंस बताइए यहाँ पे फॉल्स रहेगा ट्रू रहेगा? अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डस नॉट। मैम फॉल्स होगा। फॉल्स। महक यूटियल? मैम ट्रू। ट्रू। महक और प्रिया ट्रू बोल रही है, बाकी अरुण एंड अविलेश जो है फॉल्स बोल रहे हैं। किसका सही है? ओके महक आप बताइए बेटा यहाँ पे ट्रू कैसे रहेगा? आर नोटबुक हैज लस्टर, नोटबुक के पास चमक होती है व्हाइल, जबकि इरेजर डस नॉट, उसके पास चमक नहीं होती इरेजर के पास। तो चमक चमक होती है नोटबुक के पास? नहीं होती है। नोटबुक के पास भी चमक नहीं होती है, ना ही इरेजर के पास चमक होती है। सेंटेंस जो है रॉन्ग फॉल्स होगा। यहाँ पे एफ राइट करना है, ट्रू नहीं। ओके
क्योंकि ना ही नोटबुक के पास चमक होती है और ना ही इरेजर के पास चमक होती है, दोनों के पास चमक नहीं होती है। यस मैम। यस मैम। आगे देखते हैं थर्ड, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक जो है क्या पानी में घुल जाता है? बताइए बेटा। मैम फॉल्स। फॉल्स है, चॉक जो है पानी में घुलता नहीं है। ओके नेक्स्ट है, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक टुकड़ा जो है पानी में तैरता है। यस मैम, तैरता है। ओके तैरता है, तो यहाँ पे आप राइट करोगे टी। ओके यस मैम। नेक्स्ट है, सुगर डस नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या सुगर पानी में घुलनशील है कि नहीं? यस मैम, ट्रू। घुलनशील होता है ना, इसलिए कि इसमें पूछा जा रहा है सुगर डस नॉट डिजॉल्व। क्या सुगर जो है घुलनशील नहीं है? मैम फॉल्स होगा। तो फॉल्स होगा ये। ओके सेंटेंस कह रहा है कि सुगर डस नॉट डिजॉल्व, क्या सुगर जो है नहीं घुलता है इन वाटर, पानी में एक सुगर नहीं घुलता है जो कि घुलता है, इसलिए फॉल्स होगा, ट्रू नहीं। ओके यस मैम। देन ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, ऑयल जो है पानी के साथ मिल जाते हैं? नो मैम, नहीं मिलते हैं, तैरते रहते हैं। ओके यहाँ पे फॉल्स राइट करना है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो सैंड होते हैं बालू, क्या वाटर पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे टी राइट करना, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, क्या जो सिरका होता है पानी के अंदर डूब जाता है, मतलब घुल जाता है? बोली जल्दी से, घुल जाता है। ओके उसमें मिक्स हो जाता yes, है पानी के अंदर में भी मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे आपको राइट करना है टी। ओके सबने कंप्लीट कर लिया? यस यस मैम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पे नीचे कुछ नेम दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स के और कुछ मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं कि इस ये ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ होता है। वाटर बास्केटबॉल, ऑरेंज सुगर, ग्लोब एप्पल एंड अर्थन पिचर। ग्रुप देम एज, आपको इसको ग्रुप बनाना है। राउंड शेप एंड अदर शेप, जो राउंड शेप में होते हैं और दूसरे शेप में होते हैं उनको एक में करना है। इटेबल एंड नॉन इटेबल, और कौन से इटेबल होते हैं कौन से नॉन इटेबल होते हैं उसको एक ग्रुप में करना है। ठीक है, चलिए इसको नोटबुक में राइट करना है सभी को। कैसे राइट करेंगे? ग्रुप में नोटबुक में लाइन बनाइए, एक साइड में लिखिए राउंड शेप, एक साइड में लिखिए अदर शेप। पर नोट करिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स, फिर आंसर नंबर डालिए फाइव। नोट करिए ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स, which are in the form of circle, which are in the form of circle. ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो सर्कल के रूप में होते हैं गोलाकार में, आर नोन एज राउंड शेप्स, आर नोन एज राउंड शेप। आवाज जाए सभी को प्रॉपर? यस मैम। फिर से बोले अब बेटा, आप नहीं राइट कर रहे हो, राइट कर रहे हो कि नहीं? मैम कर रहे हैं। ओके गुड।
ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, जो कि गोल आकार में होते हैं, आर नोन एज राउंड शेप, आर नोन एज राउंड शेप. नोट किए? यस मैम. बस ये वहां पे है लाइव में. अब चलिए इसके नीचे राइट करिए, कलम बनाइए, साइड में लिखिए राउंड शेप, एक साइड में लिखिए अदर शेप. राउंड शेप, अदर शेप. यस मैम. ओके, अब आपको इसमें पहचानना है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो राउंड शेप में होते हैं, कौन कौन से दूसरे शेप में होते हैं. तो ये पहचानिए इसमें क्या क्या राउंड शेप में हम क्या क्या राइट करेंगे. अबरल यू टेल. बोले बेटा, राउंड शेप में हम क्या क्या राइट करेंगे इसमें जो जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पर जो गोल आकार में होते हैं. वाटर है, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, इन सब में गोल आकार किसका होता है? बास्केटबॉल. लेकिन ग्लोब एप्पल नेक्स्ट ऑरेंज भी रहेगा. ओके यस मैम. एप्पल भी रहेगा. देन ग्लोब. ग्लोब भी रहेगा. देन ग्लोब. और मैम एप्पल. अर्थन पिचर, जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा. ओके, तो आपको इसको राइट करना है कॉलम जहां पे आपने राइट किया राउंड शेप, उसके नीचे आपको राइट करना है राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि गोल आकार में होते हैं. बाकी अदर में क्या क्या बचेगा? अदर में क्या क्या होगा? मैम वाटर एंड सुगर. सुगर बस दो ही तो बचा हुआ है. ठीक है, तो आपको उसमें ऐड करना है अदर शेप में वाटर एंड सुगर को, बाकी को ऐड करना है राउंड शेप में. यह कंप्लीट हुआ फर्स्ट का आंसर, जो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, राउंड शेप एंड अदर शेप, ये आपका कंप्लीट हो चुका है. हम लोग देखते हैं दूसरा, ये कंप्लीट हो गया. अब इसको देखना है इटेबल एंड नॉन इटेबल. चलिए आगे देखते हैं इसको. चलिए आगे राइट करिए सेकंड लाइन से. नोट करिए ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल उसी का आंसर है. ओके, नीचे से राइट करना है दूसरे लाइन से. ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल Which we can eat, जिसे हम खा सकते हैं. Which objects or material which we can eat. Are known as eatable. Objects or material which we can eat are known as eatable. Otherwise, it is known as non-eatable. Thank you.
otherwise it is known as non-eatable. Have you done? Yes, ma'am. जैसे आपने कॉलम बनाया था ऊपर, वैसे आप भी यहाँ भी कॉलम बनाओगे, दो कॉलम, एक कॉलम में राइट करोगे इटेबल, एक कॉलम में नॉन इटेबल. अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा, वीडियो नहीं ऑफ करना है. फॉलो ज्वाइन किया भी आपने, वीडियो ऑफ करके बैठा. अब देखिए उसमें इटेबल में, अब देखिए इसमें क्या क्या ईट कर सकते हैं, जो अभी आपने यहाँ पे जो ग्रुप में दिया हुआ है नेम. शुगर, शुगर, वन मिनट, फर्स्ट है वाटर. वाटर को भी अंडरलाइन, क्योंकि ऑटो को भी राइट करेंगे. ओके, ये इसका भी यूज किया जाता है खाने की चीज. देन है ऑरेंज, शुगर, एप्पल, और बस फोर ही है. बाकी जितने बचे हुए हैं उसको आपको राइट करना है नॉन इटेबल में. बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थ एंड पिचर. यस मैम. नंबर सिक्स, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. आपको सभी आइटम के नेम राइट करने हैं, उन चीजों का जो कि आप जानते हो कि पानी में तैर सकते हैं. चेक एंड सी, फिर आपको देखना है उसमें, उसको चेक करना, फिर देखना इफ दे विल फ्लोट, क्या ये तैरेंगे ऑन एन ऑयल और केरोसिन. क्या जो आइटम पानी में तैरते हैं, क्या ये ऑयल में भी तैरेंगे या केरोसिन उसमें डालेंगे फिर भी ये तैरेंगे. तो आपको इसको देखना है, अगर जो चीजें पानी में तैरती हैं क्या वो ऑयल में भी तैरेंगे. चीज का पर ऐड करिए आंसर. लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. List of some items that float on water are अब आपको यहाँ पे नेम राइट करना है. आर के बाद नोट करिए एस फॉलो, जो कि फॉलो किया गया है. एस फॉलो, लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एस फॉलो. इतना नोट किए. अब आपको यहाँ पे अब सोच के राइट करना है ऑब्जेक्ट्स के नेम. कम से कम आपको सिक्स ऑब्जेक्ट के नेम राइट ही करने हैं. चीज नोट राइट, खुद से आप लोग राइट करिए जो कि पानी में तैर सकते हैं. ऐसे फोर ऑब्जेक्ट, सिक्स ऑब्जेक्ट्स के नेम राइट करिए, जैसे वाटर हो गया, वैक्स हो गया, जो कि पानी में तैरते हैं. वाटर, वैक्स, थर्माकोल, प्लास्टिक, आइस, ऑयल. नोट करिए. क्या क्या राइट किए? वुड, वैक्स, थर्माकोल, ऑयल, आइस, प्लास्टिक. अब जो भी आपने राइट किया हो, अब फिर देखना है कि वही चीज ऑयल में डालेंगे या केरोसिन में डालेंगे, क्या वही उसमें भी तैरेंगे कि नहीं. जो जो उसमें तैरेगा आपको उसका नेम राइट करना है. तो आप नोट करिए, सेकेंड नंबर भी डालिए ऐसे, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन आर एस फॉलो, जो आपने ऊपर राइट किया था अभी. लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, सिमर से आप नीचे राइट करोगे लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट और फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन आर एस फॉलो, जो कि फॉलो किए गए हैं. अब जो भी आपने उसमें राइट किया है, जो पानी में तैरते हैं उसी से
आपको इसमें भी राइट करना है उसमें से क्या इसमें तैरेगा क्या नहीं तैरेगा, उसी चीज को आपको इसमें भी राइट करना है, अलग से नहीं नोट करना है. ओके जो आपने राइट किया उसी का आपको उसमें छाट कर लिखना है. तो उसमें से जो भी आपने राइट किया हो उसमें से आप इसको अलग करिए. जैसे ऊड हो गया, ये भी जो ऑयल में तैरेगा, पानी में भी तैरेगा ऑयल में भी तैरेगा. ऊड है, पेपर, बैग्स, प्लास्टिक, थर्माकोल. अब जो भी आपने नोट किया आप नोट खुद से नोट करना. चलो आप देखते हैं सेवंथ. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब इसमें से जितने भी यहाँ पे ग्रुप में दिए हुए हैं थिंग्स के नेम, उसमें से आपको जो ऑड है सबसे अलग है उसको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है. फर्स्ट है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कवर्ड. अब इसमें से हम क्या अलग कर सकते हैं, प्रिया बताएंगी. Say loudly. मैम बेबी. बेबी ओके. क्यों बेबी को अलग क्यों करेंगे, अलग क्यों चाहिए? मैम मैम चेयर बेड टेबल कबोर्ड में मेरे सारे लकड़ियों का है. मैम बेबी इंसान है. हाँ ऐसे बोल सकते हैं, चेयर बेड टेबल कबर्ड ये सभी जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ओके सभी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैन मैड मेड थिंग्स हैं, नॉन लिविंग एंड मैड मैन मेड. और जो बेबी है वो लिविंग थिंग्स है और नेचुरल मेड है. ओके नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. इसमें क्या अलग है? मैम अटल ये बेटा मैम बोट. बोट क्यों? मैम बिकॉज रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस दीज आर फ्लावर्स एंड मैम अ बोट इज मेड फ्रॉम वुड. ओके यहाँ पे देखिए रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस सभी जो फ्लावर है. बोट जो है व्हीकल्स में आएगा जो कि लकड़ी से बनता है. ओके बाकी सभी जो है नेचुरल थिंग्स हैं. नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. इसमें क्या अलग होगा? मैम सैंड. सैंड मैम सैंड. ओके इसमें आपको सैंड को पिक करना है, सैंड अलग है. नेक्स्ट है सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सप्लेट. इसमें क्या होगा? कॉपर से जो होता है सल्फेट है. सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट. इसमें अलग क्या होगा? मैम कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट नहीं अलग है. इसमें अलग है सैंड. ओके क्योंकि सारी चीजें जो है पानी में घुलनशील है. ध्यान से देखो सभी चीज को पानी में डाल लेंगे सब घुल जाएगा पानी के अंदर, लेकिन सैंड जो है नहीं घुलेगा, अघुलनशील है. तो इसमें सैंड अलग होगा. ओके यस मैम. यस मैम. और इसमें जो आपने अभी सैंड को अलग किया था इसमें इससे सैंड को अलग है क्योंकि सारे मेटेरियल्स हैं सैंड जो कि अलग है. तो सैंड भी इसमें अलग किया गया था. इसमें सैंड अलग किया गया क्योंकि इसमें सभी जितने भी दिए हुए हैं ये सब पानी में घुल जाते हैं लेकिन सैंड नहीं घुलेगा, तो इसलिए सैंड को अलग किया गया है. आप सभी को इसको कंप्लीट करके सेंड करना अभी अपने वर्क की फोटो. ठीक है? यस मैम. हैव यू डन? सबका कंप्लीट हो चुका है? एनी प्रॉब्लम? यस मैम. नो मैम. ओके बेटा कुछ पूछना किसी को? चैप्टर फोर में कहीं भी आप कुछ ना समझ में आया हो आप पूछ सकते हो. ध्यान से देख लो कहीं छूटा हुआ हो कुछ क्वेश्चन. कंप्लीट हो गया है? यस मैम. ओके तो लास्ट सेशन में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. ओके यस मैम.
तो आप सभी लोग पहले ही चैप्टर फोर का जितना भी बचा हुआ वर्क है आप लोग सेंड कर देना कंप्लीट करने के बाद, वर्ड्स मीनिंग नहीं हुआ होगा बस मीनिंग सेंड कर देना, क्वेश्चन आंसर जो भी बचा हुआ होगा आप सब लोग आप सेंड कर देना, फिर कल से हम चैप्टर फाइव स्टार्ट करते हैं। ओके यस मैम। यस मैम। पूछना किसी को? नो मैम। ठीक है ओके गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा। गुड बाय।